कैंसर होने पर भी दालचीनी काफी फायदेमंद हो सकती है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पाया है कि अमाशय और बोन कैंसर की बड़ी स्थिति को दालचीनी और शहद का उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर के रोगियों को एक बड़ा चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी के पाउडर को गर्म पानी के साथ एक महीने तक लेने से काफी आराम मिला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसमें उपस्थित पॉलीफिनोल्स में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इसे सुपर फूड का दर्जा दिलाता है। इसका सेवन करने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम होता है, जिससे उच्च वसायुक्त भोजन का प्रभाव कम हो जाता है। इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिसकी वजह से संक्रामक रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। दालचीनी के तेल का प्रयोग दर्द, घाव और सूजन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके तेल से त्वचा की खुजली को भी खत्म करने के साथ साथ दांतों के दर्द में भी काफी राहत देती है। मुंह की बदबू पर भी असरदार साबित होती है दालचीनी। दालचीनी को मुंह में रखकर चूसने से काफी फायदा होता है। सर्दी, जुकाम या गले की विभिन्न समस्या पर भी ये बहुत लाभकारी साबित होती है। इसके प्रतिदिन सेवन से आप सर्दी लगने जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। चूना, शहद, हल्दी और दालचीनी का लेप लगाने से थायराइड में भी काफी फायदा होता है। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधी विकार, दांत व सर दर्द, चर्म रोग या मासिक धर्म की परेशानियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। यही नहीं, दालचीनी का पानी आपका वजन घटाने में भी मदद करता है। साथ ही इसमें पॉलीफिनोल्स पाया जाता है जो पेट से संबंधित समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ दालचीनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काफी उपयोगी होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको कम करने के लिए आप रात को दालचीनी को पानी में भिगोकर रखकर और सुबह इस पानी को पी सकते हैं। आप शाम के समय दालचीनी को पानी में उबालकर इसका पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ ही नसों में आराम के लिए आप दालचीनी पीसकर उसके पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। डायबिटीज के अलावा हार्ट से जुड़ी सभी समस्याओं को दालचीनी काफी आसानी से ठीक कर सकती है। दालचीनी का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जा सकता है। शरीर में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप दालचीनी के पाउडर या इसके पानी का सेवन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग 60 किलो वजन के एक व्यक्ति के लिए दिन भर में 5 मिलीग्राम दालचीनी काफी होती है। यह मात्रा एक टेबल स्पून से भी काफी कम होती है। फायदों के साथ साथ दालचीनी का इस्तेमाल करने से कुछ नुकसान भी होते हैं। खाने में यदि इस हर्बल मसाले का अधिक प्रयोग किया जाए तो इससे सांस की समस्या पैदा होने लगती है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से दूर ही रहना चाहिए, इससे डिलीवरी के समय समस्या आ सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार पता चलता है कि इसका उपभोग अत्यधिक मात्रा में करने से किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दालचीनी एक मसाला है जिसका इस्तेमाल स्वाद के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता है। महामारी के दौरान उन मसालों में से एक है जिसका इस्तेमाल किचन में बढ़ाया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दालचीनी आप अपने स्वास्थ्य और स्वाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह नकली हो सकती है? उसमें अमरूद की छाल से लेकर कई किस्म की चीजें मिलाई जा सकती हैं। दालचीनी में कई बार उसी तरह का दिखने वाला केसिया बार्क नामक उत्पाद मिला दिया जाता है। यह बिल्कुल दालचीनी की तरह ही दिखता है, लेकिन स्वाद और सुगंध इसकी अलग होती है। इसके अलावा कई बार दालचीनी में अमरूद की छाल को मिला दिया जाता है। यह भी रंग और रूप में बिल्कुल दालचीनी की तरह ही दिखती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।